अगर आप भी अपने कंप्यूटर को फॉर्मेट करना चाहते हैं और चाहते हैं उसमें दोबारा ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना, पर आपको नहीं पता है कि पेन ड्राइव को कैसे बूटेबल बनाया जाए, तो आप ये वीडियो देखते रहे क्योंकि इसमें मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ और बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने पेन ड्राइव को बूटेबल बना सकते हैं और वो भी बिना किसी सॉफ्टवेयर के। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक फॉर फ्रेशर यूट्यूब चैनल और मैं हूँ शुभम कपिश्वे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस चैनल पर आप टेक्नोलॉजी एक्सप्लेन वीडियोस एंड टिप्स एंड ट्रिक्स देख सकते हैं और बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो अभी वीडियो के नीचे इस रेड बटन पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जुड़े रहे हमारे साथ। आप देख सकते हैं मैंने एक 16 GB का पेन ड्राइव कनेक्ट किया है अपने लैपटॉप से। सबसे पहले आपको सर्च करना होगा CMD और फिर उस पर राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना होगा। इसके बाद यहाँ आपको टाइप करना होगा डिस्क पार्ट। मैं इसे मैक्सिमाइज कर लेता हूँ। देन इंटर। इसके बाद आपको टाइप करना होगा लिस्ट स्पेस डिस्क। देन इंटर। ये आपके लैपटॉप से कनेक्टेड सारे हार्ड ड्राइव्स को शो करेगा। डिस्क 0 में ये मेरे हार्ड डिस्क को शो कर रहा है और डिस्क 1 में मेरा पेन ड्राइव कनेक्टेड है। उसके बाद आपको यहाँ टाइप करना होगा सेलेक्ट डिस्क 1 या जिसमें आपका एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव शो करेगा। फिर आपको टाइप करना होगा क्लीन, देन एंटर। ये आपके पेन ड्राइव को फॉर्मेट कर देगा। इसके बाद आपको टाइप करना होगा क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी। Then enter। इसके बाद आपको टाइप करना होगा सेलेक्ट पार्टीशन 1। Then type active। इसके बाद आपको टाइप करना होगा फॉर्मेट FS is equal to NTFS quick। फिर इंटर करें। फिर आपको वेट करना होगा जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए। प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। इसके बाद आपको टाइप करना होगा एक्टिव असाइन। फिर लास्टली आपको टाइप करना होगा एग्जिट। आपका पेन ड्राइव बूटेबल बन गया है। इसके बाद आपको विंडोज़ के ISO फाइल को जो आपने डाउनलोड किया हुआ है उसे एक्सट्रैक्ट करना होगा। उस पर राइट क्लिक करें, एक्सट्रैक्ट फाइल्स। फिर अपने पेन ड्राइव के लोकेशन को चूज़ करें। मेरे केस में ये USB ड्राइव H है, तो मैं इसे ओके करता हूँ। इसके बाद आपको वेट करना होगा जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए। सो एक्सट्रैक्टिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। फिर मैं अपने पेन ड्राइव को रिमूव करके रीइंसर्ट करता हूँ। यहाँ पे आपको अब इस तरह का आइकन देखने को मिलेगा। इसका मतलब है आपका पेन ड्राइव अब बूटेबल हो चुका है। आप बूट ऑप्शंस में इसे सेट करके अपने कंप्यूटर को फॉर्मेट कर सकते हैं और OS दोबारा इंस्टॉल कर सकते हैं। सो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलता हूँ अगले वीडियो में।